अरे चल 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 नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। अभी आपने जो वीडियो देखा है वो किसान आंदोलन का वीडियो है और इसमें जो शख्स कोट, काली पैंट और गले में मफलर, पैरों में ब्राउन जूते पहने हुए हैं और हाथ में एक मूंगफली का लिफाफा लिए हुए हैं, वो शख्स सिरसा ज़िला के एलनाबाद के रहने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो के अंदर शख्स हैं वो एलनाबाद के वेदप्रिय गुप्ता जी हैं, जो कि पेशे से एक स्कूल संचालक हैं, भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और इसके अलावा उनका परिवार और वो खुद संघ से जुड़े हुए हैं। अब ये किसान आंदोलन में गए हुए थे और इनका ये 12 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साथ ही इस वीडियो के कुछ लिखा हुआ शब्द ऐसे थे कि वो वाकई में विचार करने वाले थे। उसमें जो लिखा था वो ये था कि क्या ये वहाँ पर गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कहने पर किसानों के आंदोलन के अंदर जासूसी करने के लिए गए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अब इसको लेकर ये सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो एक चर्चा का विषय बना। तो ऐसे में अपनी न्यूज़ के पास जब ये वीडियो पहुंचा और उसके साथ जो शब्द लिखे हुए हमें मिले तो उसके बाद में हमने वेद प्रिय गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने किसान आंदोलन के संबंध में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो इंसानियत के नाते वहाँ पर गए थे समाज सेवा के लिए, अपने पल्ले से अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो वहाँ पर सेवा करके आए हैं। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या किसान आपके दृष्टि में गलत हैं या सही हैं तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। अब ये आपने जो देखा है, जो सुना है और जो बात हमने अभी तक बताई है, इस मामले के अंदर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वहाँ पर जो ये वेद प्रिय गुप्ता जी गए हैं वो किस मंशा से आपके हिसाब से गए होंगे? क्या वो किसानों की जासूसी के लिए गए थे या फिर बीजेपी और संघ मोदी की खिलाफत में उतर आए हैं, बगावत पर उतर आए हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, या फिर जो तीसरा खुद वेद प्रिय गुप्ता जी ने बताया है कि वो एक इंसानियत के नाते वहाँ गए थे, तो इसमें आप कौन सा एक एक्सक्यूज है उसको सफिशियंट मानते हैं? आपकी स्वतंत्र बुद्धि से आप क्या महसूस करते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।